नंबर 10 ताऊजी अस्पताल गए, उनका इलाज चल रहा था। नर्स ने कहा लंबी सांस लीजिए। ताऊ ने लंबी सांस ली। तब नर्स ने पूछा अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ बोला वाह कौन सा परफ्यूम लगाकर आई है, मजा आ गया। नंबर 9 मैडम ने बच्चों से कहा जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। अब क्या बात है, पप्पू खड़ा हो गया। मैडम ने कहा तुम बेवकूफ हो क्या? इस पर पप्पू बोला नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नंबर 8 गर्लफ्रेंड ने खुश होकर बॉयफ्रेंड से कहा जानू सुनो ना, मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया है। बॉयफ्रेंड बोला वाह कौन सी कंपनी का है ये मोबाइल? गर्लफ्रेंड बोली लावारिस है। बॉयफ्रेंड बोला अरे जाहिल लड़की, वो लावारिस नहीं लावा आयरिस है। नंबर 7 रवि ने मोहन से कहा तुम्हारी आंख सूजी क्यों हुई है? मोहन बोला कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लेकर आया था। इस पर रवि बोला लेकिन इसका आंख सूजने से क्या संबंध है? मोहन बोला मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक बनाने वाले बेवकूफ ने केक पर लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। नंबर 6 एक लड़की की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। लड़की ने कहा डॉक्टर प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। डॉक्टर बोला विश्वास करो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। लड़की बोली अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है, आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमीना है। नंबर 5 पति ने पत्नी से कहा सुनो मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी बोली ठीक है। कुछ देर बाद पति ने पूछा मेरी शर्ट को प्रेस किया या नहीं? पत्नी बोली नहीं अभी तो नहीं किया। पति मगर क्यों? पत्नी इस पर बोली अभी मुझे उल्टी नहीं आ रही है तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं? नंबर 4 पति ने अपनी पत्नी से कहा आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? पत्नी इस पर बोली अरे वाह तुमने कैसे पहचाना, खाना बहुत टेस्टी बना है क्या? पति अरे नहीं नहीं, जब तुम बनाती थी तो खाने में काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला है। नंबर 3 एक बार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के सीने पर सिर रख दिया और बोली तुम्हारा दिल कितना कुरकुरा है। लड़का इस पर बोला ये दिल नहीं है पागल, ये बीड़ी का बंडल है। नंबर 2 लड़के ने लड़की से कहा तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगी? इस पर लड़की बोली लोग वक्त के साथ बदलते हैं लेकिन तुम अब तक बिल्कुल नहीं बदले। लड़का बोला अच्छा सच में, वो कैसे? इस पर लड़की बोली जब मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। नंबर 1 बड़ी खोजबीन करने के बाद अब कहीं जाकर एडमिन शब्द का हिंदी मतलब निकला है। इसका हिंदी मतलब होता है झुंड नियंत्रक। दोस्तों सेल्फी का नया हिंदी नाम भी पता चल गया है। सेल्फी का हिंदी नाम है खुद खेचूं।
अरे रुको रुको, व्हाट्सएप का हिंदी मतलब नहीं जानोगे क्या? व्हाट्सएप का हिंदी मतलब है जन धन निशुल्क गपशप योजना। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं। धन्यवाद।